वरि वरक तो मैं उसे जीशान और इस्कबाल करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीशान मीडिया में नाजर आज की जो हमारी नशस्त है वो है आदाब सफ़र के ऊनवान पर यानी कि मैं आज आप लग सब लोगों के सामने और मैं आप सब लोगों को आदाब सफ़र से वाक़ कराऊँगा कि सफ़र के आदाब क्या है जी नाजरी यानी कि हम इधर से उधर जाते हैं तो उसके आदाब है कुछ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल ीशान मीडिया को सब्सक्राइब कर दे सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन की घंटी आती है उसको भी जरूर भी जरूर दबा दे ताकि हमारा हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी नाजरीन, तो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि आदाब सफर क्या है तो नाजरीन सबसे पहला जो मैं आपको अदब बताऊं तो वो ये है कि हमको हमारी नीयत अच्छी रखनी चाहिए अब बोलेंगे कि भाई इसमें नीयत का क्या, क्या दखूल तो हाँ है इसमें सफ़र के आदाब में नीयत का भी दखूल है जैसी हमारी नीयत होंगे वैसे हमारे फैसले होंगे तो अगर हमारी नीयत सही होंगी हम अच्छी नीयत से सफ़र करेंगे तो हमारा फैसला भी अच्छा ही होगा और नाजरीन चलते दूसरे आदाब की तरफ तो हमको सफ़र करने से पहले दो रकात नमाज पढ़ लेनी ही चाहिए और चलते तीसरी बात की तरफ तो तीसरा अदब ये है कि हम लोगों को सफ़र करने से पहले अपने घर का नाइब मुतन करना चाहिए अब नाजरीन कहेंगे आप कि अपने घर का नाइब क्यों अगर हमारा घर है घर के अंदर कोई अकेला शख्स सफ़र कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो किसी न किसी को घर का नाइब बनाकर जाए कि वो घर का ख्याल रखे और चलते हैं दूसरी बात की तरफ तो दूसरी बात की और ये है कि मैं नंबर तो नहीं गिनाऊंगा लेकिन आपको सरासर बयान करता चलूंगा तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे की बात की तरफ तो वो ये है कि हम सब लोगों को सफर के हिसाब से गाड़ी रखनी चाहिए यानी कि जो हमारी सवारी होती है वो तवील और मुख्तसर सफर के हिसाब से हो यानी कि अगर हमारा सफर लंबा है तो हमारी गाड़ी भी उतनी है हो कि वो उतना बर्दाश्त कर सके और वो वहां तक आसानी जा जाकर वापस आ सके और अगर हमारा छोटा सफर हो तो उसी के हिसाब से गाड़ी हो तो चलेगा ये भी आदाब में से है और बढ़ते हैं आगे तो आगे हमारा जो एक ये है कि हमको फर्ज सफर के अलावा मावा वाले देन से इजाजत लेना जरूरी है आप कहेंगे फर्ज सफर माना क्या मसलन हम जहाँ पर हमारा जाना ज़रूरी है और वहाँ पर हम अक्सर जाते ही हैं और हमारे वालदान को भी मालूम कि हम वहाँ जाते हैं तो उस सफ़र में इजाज़त लेना इतना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी इतना कर दे और हम, मेरे जैसे छोटे बच्चों को और हम जितने भी छोटे बच्चे हैं तो हमें तो चाहिए ही कि हम अगर दुकान पर भी कोई चीज़ लाने के लिए जाए तो अपने वालदे को एक बार इन्फॉर्म कर दे अपने वालदेन को एक बार इतला कर दे और उनसे इजाजत लेकर हम दुकान में जाए वैसे तो हमको घर के बाहर भी नहीं जाना चाहिए बढ़ते हैं आगे तो आगे का मसला ये और आगे एक बात ये है कि हम जब सफर करते हैं तो सफर के अंदर किसी न एक किसी एक शख्स को अमीर बना दिया जाए और फिर अमीर बना दिया जाए तो ये ऐसा नहीं कि भाई अमीर बना दिया और फिर उसको ही गाली गलोच यानी उसके साथ वो वाला ताल नहीं किया जा रहा उसके साथ जैसा कि एक अमीर के साथ होना चाहिए तो ये भी है कि हमें अमीर की इताअत करना चाहिए और फिर बढ़ते हैं आगे तो आगे मैं आपको ये बताऊ कि अगर हम सफर कर रहे हैं तो सफर करने में हमको एक बात हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि हम गाड़ी के अंदर बैठने के बाद दुआ पढ़ना ना भूलें जी जिया नाजरीन ये बात बहुत ही अहम है इसलिए कि हमारे रूटीन में सफर की दुआ नहीं होती है इसलिए कि हम ज्यादा सफर करते नहीं है और अभी तो लॉकडाउन ही है तो हमारे जुबान पर तो दुआ बार 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 रिपीट होती है जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ हमें याद रहती है और अगर जो चीज़ नहीं पढ़ी जाती वो चीज हमें याद नहीं रहती है तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम दुआ पढ़ें और दुआ क्या है तो मैं को पढ़ कर सुनाता हूँ सुबह मरतबा सुबह तीन मरतबा तीन मरतबा अकबर कहे और अल्लाह अकबर ये सब होने के बाद हम अपने साथियों को और जो हमारे मेम्बर सफर के अंदर है उनके एक दूसरे को देख कर हंसे और जरा सा मुस्कुरा ले और नाजरीन अभी तो मैंने आधा बे सफर बता लिए लेकिन एक अब बात बताओ कि जो सवारी जिसके ऊपर हम सफर करते हैं उसका भी कोई अदब है तो नाजिम उसका यह है कि हम हमारी सफ, सव, सवारी को मिंबर ना बनाए यानी कि सवारी को हमने बीच रोड पर खड़े कर दिया यानी कि साइड में भी खड़े कर दिया और उसके अंदर बैठे बैठे ही हम हमारा काम कर रहे हैं खाना खा रहे हैं उसके अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ही सब तो गाड़ी को मेंबर नहीं बनाना चाहिए और दूसरी बात कि गाड़ी के ऊपर वजन ज्यादा नहीं डालना चाहिए कि यानी जितना वो समान सकती है जितना उसके बर्दाश्त के अंदर है उतना ही वजन उसके ऊपर डाला जाए और फिर बढ़ते हैं गाड़ी के और एक अदब की तरफ तो हमें ये बात चाहिए कि गाड़ी को वैसा ही रखा जाए कि वो हमारे हमें हर वक्त काम आए यानी कि कभी बीच में वो बिगड़े ना ख़राब होए ना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अदब समझ में आ गए होंगे आदाब सफ़र तो आप सब लोग इन आदाब के ऊपर अमल करेंगे अल्लाह ताला सुदुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी इनके ऊपर अमल करने की अता फरमाए और आप लोगों को भी इसके ऊपर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए वन रब्बिल आलमीन